हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको मालूम है, आपके समर ब्रेक शुरू हो चुके हैं और अब ऑनलाइन क्लासेस 6 जुलाई 2020 से कंटिन्यू होने वाली हैं। तो बीच में जो आपको ये वक्त मिल रहा है, ये सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं है, साथ ही साथ आपने इसमें आपका असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है। अभी असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए जो भी डिटेल है या जो भी सिलेबस है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। इसी के साथ साथ जो भी मैं समझाऊंगी, उसमें अगर कुछ डाउट रह जाता है या कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपके पास सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का वक्त होगा, मंडे टू सैटरडे। आप आराम से सुबह 8 से दोपहर 2 तक मुझसे जो भी आपको डाउट है उस बारे में बात कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, जिस तरीके से आप पहले करते थे। तो होप आपको ये समझ में आया हो। अभी शुरू करते हैं हमारा सिलेबस, एक बार देख लेते हैं चलकर। तो शुरू करने से पहले एक सबसे ज़रूरी बात, असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए जितनी ज़रूरत आपको रजिस्टर के पढ़ने वाली है, उससे ज़्यादा ज़रूरत आपको आपके कोर्स की पढ़ने वाली है। तो जब तक कि आप आपका कोर्स परचेज नहीं कर लेते, आपके पास बुक्स नहीं होंगे, तब तक पॉसिबल ही नहीं आप असाइनमेंट कर पाए। तो पहले आप बुक परचेज कर लीजिए, उसके बाद जो आपको डाउट आता है आप उस बारे में पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारा असाइनमेंट। पेज नंबर 75 पर पीरियोडिक टेस्ट टर्म फर्स्ट दिया हुआ है, आपको वो वहां से आपके रजिस्टर पर करना है। सेकंड पेज नंबर 81 एंड 82 पर जो फर्स्ट वर्कशीट दे रखी है, वो आपको आपके असाइनमेंट रजिस्टर पर करना है। आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में, इस असाइनमेंट में आपके पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस या 2 ही एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। डू द प्रोजेक्ट ऑफ पेज नंबर 14 एंड 23 ऑन योर रजिस्टर। पेज नंबर 14 एंड 23 पर जो प्रोजेक्ट दे रखा है, वो आपको आपके रजिस्टर पर करना है। पेज नंबर 11, पेज नंबर 22 एंड पेज नंबर 30 पर जो प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, यानी कि 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 3 एक्टिविटीज़ हैं, ये तीनों प्रोजेक्ट आपको आपके असाइनमेंट रजिस्टर पर करने हैं। डू प्रोजेक्ट गिवन ऑन पेज नंबर 20, पेज नंबर 40 एंड पेज नंबर 35। पेज नंबर 20, 40 और 35 पर 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, वो तीनों प्रोजेक्ट्स आपको आपके असाइनमेंट रजिस्टर पर करने हैं। वो प्रोजेक्ट वाला जो पोर्शन है, उसको आपको आपके असाइनमेंट रजिस्टर पर करना है। और होप आपको ये समझ में आया हो। आपका असाइनमेंट तीनों क्लासेस के, चारों क्लासेस के, बल्कि क्लास 1, 2, 3, 4 के सिलेबस एक साथ इसीलिए दिया है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके सिबलिंग्स 1, 2, 3 में ही हैं, मतलब वो 1-2 क्लासेस का फ़र्क ही है उन लोगों में। तो ऐसे में आपको अलग अलग जगह से वीडियो डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी और एक ही साथ आपका सारा सिलेबस कलेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए एक ही वीडियो में चारों क्लासेस का सिलेबस दिया गया है। होप आपको ये सारा समझ में आया हो। और एक बार फिर से कहूँगी, असाइनमेंट समझना है प्रॉपरली तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ने वाली है बुक्स की। जब तक बुक्स नहीं होंगी, तब तक मुझे नहीं लगता मेरा बताया हुआ आपको कुछ भी समझ आ पाएगा। तो फटाफट जाएं और बुक परचेज कीजिए। थैंक यू सो मच।